Hello student, how are you? Student, today in this class I am going to start the new chapter and it is motion. So first of all, what is motion? Motion को समझने के लिए आप ये समझिए कि क्लास के अंदर कोई बच्चा क्या कर रहा है, wandering कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है और आपको motion का definition समझना है. तो आप क्या करेंगे कि उस बच्चे की तरफ अपने फिंगर से पोजीशन उसका बताएंगे. जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने देखा कि बच्चा इस समय यहाँ पर है. सो व्हाट इज हिज पोजीशन? एक्चुअली ही इज इन फ्रंट ऑफ द डोर, डोर के सामने है. फिर ऐसे हमने फिंगर का डायरेक्शन चेंज किया, नाउ ही इज इन फ्रंट ऑफ द स्विच बोर्ड एंड आफ्टर दैट ही इज इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट बेंच. तो आप देख रहे हैं कि बच्चे का पोजीशन क्या कर रहा है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है. तो अब हम कहेंगे कि बॉडी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है. सो व्हाट अबाउट द डिफिनेशन ऑफ मोशन? इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग अलोंग विद द चेंज ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन. सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज कर रहा हो और टाइम तो बदलेगा ही बदलेगा. तो कहते हैं कि बॉडी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है. सो इट वॉज द डेफिनेशन ऑफ मोशन. नाउ वन टर्म, वन अदर टॉपिक, इट इज द मोशन इज अ रिलेटिव टर्म. भाई इसको भी समझते हैं कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है. तो अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमारे बारे में बात किया जाए, तो हम क्या हैं? आपके टीचर हैं. और अपने बच्चों के क्या हैं? तो पापा हैं. किसी के क्या हैं? तो भाई हैं. सो देयर आर डिफरेंट रिलेशंस, आई हैव डिफरेंट रिलेटिव्स. सो इन द सेम वे अ सेम बॉडी मे बी एट रेस्ट एंड सेम बॉडी मे बी इन मोशन अलोंग विद द चेंज ऑफ द पर्सन. जैसे एक ही पर्सन किसी का पापा है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, रिलेशन. सो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म. अब रिलेटिव के बारे में समझते हैं, कैसे मोशन का कैसे रिलेटिव हो बनता है. तो अगर एक ट्रेन के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए ट्रेन आगे बढ़े जा रही है और सब तरफ से विंडो क्लोज है और थोड़ा सा भी जो ट्रेन चली धीरे धीरे चल रही है. प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा कभी कभी धीरे धीरे ट्रेन चलती है. तो अभी क्या हो रहा है, विंडो बंद है तो हमको पता ही नहीं चलता है मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और वैसे ही पूछा जाए कि जो बगल में बैठा है वो मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम तो ये बताएंगे कि नहीं भाई, कहीं नहीं जा रहा, मेरे बगल में बैठा हुआ है. तो उस बॉडी को, उस पर्सन को हमने क्या बताया, ही इज एट रेस्ट. लेकिन अगर इधर वाली विंडो खुली हो, इधर वाला बंद था, हमने इसको बगल वाले को बताया कि वो मोशन नहीं कर रहा है, तो जो प्लेटफॉर्म पर बैठा होगा वो क्या बताएगा? इसी को हमने बताया कि मोशन नहीं हो रहा है, और प्लेटफॉर्म वाला बताएगा कि मोशन हो रहा है इन दिस डायरेक्शन. सो द सेम पर्सन इज एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू मी एंड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन ही इज इन मोशन. सो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म. अलग अलग लोगों के बेसिस पर मोशन भी क्या रहेगा, अलग अलग होगा. भाई आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रेन ऐसे जा रही है, ये वाला रेस्ट पर है, बाहर वाले के बेसिस पर हम दोनों लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अगर कहीं ट्रेन एक और पैरेलल ट्रेन चल रही हो, बाहर वाले ने क्या बताया कि हम लोग आगे जा रहे हैं, और पैरेलल वाली ट्रेन थोड़ा ज्यादा स्पीड से चल रही होगी, तो उसमें बैठा पर्सन अब हम लोगों को क्या बताएगा कि ये लोग पीछे जा रहे हैं. समझिए, एक कह रहा है, हम कह रहे हैं कि ये रेस्ट पर है, बाहर वाला कह रहा है जो प्लेटफॉर्म पर था वो बता रहा है आगे जा रहे हैं, और एक ऐसा ट्रेन जो हम लोग से आगे जा रहा है वो क्या बता रहा है कि ये लोग पीछे जा रहे हैं. सो फॉर डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट रेफरेंसेस, द सेम बॉडी इज एट रेस्ट इन मोशन, इन फॉरवर्ड मोशन एज वेल एज इन द बैकवर्ड मोशन. सो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म. बच्चों अगर रिलेटिव टर्म के बारे में बात कर लिए हैं तो कुछ टर्म्स हमें और भी समझने चाहिए. मोशन क्या होता है, मोशन से रिलेटेड हमारे कुछ टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ मोशन. सी हियर द फर्स्ट वन, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन कुछ खास के बारे में मैं भी डिस्कस करूंगा. सो फर्स्ट वन इज द रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन.
motion, translatory motion. And second one is the circular motion, circular motion or rotational motion, rotational motion. And what about the third one? It is vibratory, or we can say firstly it is oscillatory, oscillatory or vibratory motion, vibratory motion. तो बच्चों देखिए, मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए यहां पर. फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन और द ट्रांसलेटरी मोशन. वास्तव में तो और लगाना बहुत सही नहीं है, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द रेक्टिलिनियर मोशन एंड द ट्रांसलेटरी मोशन. इन द सेम वे फॉर सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन देयर मे बी द एंड रोटेशनल मोशन ऑल्सो. तो समझते हैं कि क्या होता है. वॉट अबाउट द रेक्टिलिनियर मोशन? So if a particle or the point body is moving on straight path, सीधे चल रहा है, कौन चल रहा है? तो particle या फिर point body, two terms are used here. So if particle or the point body are moving on the straight path, then motion is said to be the rectilinear motion. अब translatory में क्या हो जाएगा? तो अगर point body या फिर particle नहीं बल्कि कोई अदर बॉडी क्या कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, तो उसको कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. अब आप कहेंगे दूसरा बॉडी क्या हो सकता है? तो पहले आपको समझना चाहिए कि पार्टिकल और पॉइंट बॉडी का मतलब क्या है. भाई जो बहुत छोटा सा दिखाई पड़ेगा पार्टिकल जैसा, वो बनेगा पार्टिकल, या फिर कहें जो पॉइंट जैसा दिखाई पड़ रहा होगा डैट बॉडी विल बी द पॉइंट बॉडी. So if particle or the point body moving on the straight path, then motion will be the rectilinear. And what the meaning of other body except than point body? तो समझते हैं इसको. भाई दूसरा body क्या हो सकता है? तो continuous body हो सकता है. कैसे और क्या मतलब होता है point body का, इसको भी समझते हैं. क्योंकि मन में तो आता है कि भाई point जो रहेगा, जो point जैसा दिखाई पड़ेगा वही बनेगा point body. तो समझते हैं इसको. If we take a kite, हमने एक पतंग ले लिया. So what do you think? If the same kite is in our hand, it will not look like the point. It will not look like the point. लेकिन अगर उसी पतंग को हम क्या कर देते हैं, बहुत ऊंचाई पर उड़ा दिया है, भाई दो परेता से हमने क्या कर दिया, उसके मंजे से पूरा ऊंचाई पर उसको उड़ा दिया है. तो जब आसमान में हम देख रहे होते हैं, then the same kite will look like a point. अब वो पॉइंट बन गया. सो व्हाट द मीनिंग, व्हाट विल बी डेफिनेशन फॉर द पॉइंट बॉडी? इफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस. भाई पतंग जब बहुत ऊंचाई पर चला जाता है तो उसकी साइज जो होती है ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस के कंपेरेटिव वेरी स्मॉल हो जाती है, और यही कारण होता है कि काइट हमें अब दिखता है एज अ पॉइंट बॉडी. स्टार इज ऑल्सो अ पॉइंट बॉडी. वाई? भाई स्टार तो पॉइंट होता नहीं है, छोटा सा तो होता नहीं है, लेकिन होता क्या है? इट्स साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, सो स्टार विल एक्ट एज द पॉइंट बॉडी. तो बच्चों मैंने बता दिया कि पॉइंट बॉडी क्या होता है, और साथ में रेक्टिलिनियर के लिए क्या बात है, और ट्रांसलेटरी में क्या हो जाएगा अगर पॉइंट बॉडी नहीं है या फिर पार्टिकल नहीं है बल्कि कोई दूसरा बॉडी है, जैसे हम ही हो गए, हम ही आगे मूव कर रहे हैं स्ट्रेट पाथ पे. सो माय मोशन और द अदर बॉडी हैविंग नॉट लाइक अ पॉइंट विल बी नोन एज द, इट्स मोशन विल बी नोन एज द ट्रांसलेटरी. सो इफ एनी बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ, then its motion will be the translatory. Now about the circular motion and the rotational motion, best will be the and. So what do you mean by the circular motion? If a particle or a point moving on circular track, moving on circular track, or any body is moving on circular track, then motion of the body will be known as the circular motion. Now the difference between the circular motion and the rotatory motion, what will be the rotatory motion? Actually in rotatory motion all the particles perform circular motion
simultaneously. Listen again. In case of rotatory motion, all the particles of a body will perform the circular motion simultaneously. जैसे हमने ये अपने हैंड को इस तरह से शो कर दिया, इसको मान लेते हैं पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है. एंड इफ वी आर टेकिंग सो मेनी पॉइंट्स ऑन दिस हैंड, भाई एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे अलग अलग ले लेते हैं. तो अगर इसको हम क्या कर देते हैं, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, नचा रहे हैं, इस तरह से नचा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये कोई भी जगह का एक साथ सभी चल रहे हैं. एंड विस टाइप ऑफ मोशन ऑल दिस पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग, इट इज द सर्कुलर मोशन. और इनके एक्सिस, इनके सेंटर्स कहां पर लाई करेंगे, अलोंग विद द लाइन, अलोंग विद द स्ट्रेट लाइन, एंड दैट विल बी नोन एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और द एक्सिस. सो व्हाट इज रोटेटरी मोशन, वी कैन टेक दिस वन एज द ऑब्जेक्ट, एंड इफ द डिफरेंट पार्टिकल्स आर हियर and if this body is, and a force is applied on this body, so it will perform rotatory motion. ऐसे ये नाचेगा. नचाने वाला कौन, टॉर्क. चलाने वाला कौन, फोर्स. मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको. तो टॉर्क के कारण क्या करेगा, ये नाचेगा. तो आप देखेंगे कि ये ऐसे चलेगा, ये वाला ऐसे चलेगा, ये वाला ऐसे चलेगा, और ये वाला ऐसे चलेगा. And what do you think about their centers of these circular tracks? So all the centers for all the circular track center is same. And this center is along with the axis. So all the particles of the body is performing circular motion simultaneously. And their center will lie along with the same line, and that line is known as the axis. And this type of motion is known as the rotatory motion. Circular ही है, सभी particles इसके circular motion कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या है, पूरा का पूरा body नाच रहा होता है. That's why it is known as the rotatory motion. अंतर है सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन में. अब बात करते हैं अबाउट द थर्ड वन, ऑसिलेटरी मोशन और द वाइब्रेटरी मोशन. हम लोग जब पढ़ते हैं, जब पढ़ाते हैं, तो तुरंत कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन और द वाइब्रेटरी मोशन. बट देयर इज माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेटरी एंड द वाइब्रेटरी. ऑसिलेटरी में क्या होता है, इन द ऑसिलेटरी मोशन बॉडी विल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन. In case of oscillatory motion, body will perform to and fro motion about its mean position. Mean position के एक बार इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा. भाई गाना हो गया, इधर चला मैं उधर चला वाला. तो body क्या कर रहा है, mean position के एक बार इधर, एक बार उधर. And periodically, it remains periodically, means जो time ऐसे लेगा यहाँ से यहाँ जाने में, फिर वापस आने में, तो इतना ही टाइम दोबारा लेगा यहां से यहां जाने में, फिर यहां आने में. बॉडी क्या कर रहा है, मेन पोजीशन से इधर चला, फिर उधर चला. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन. इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन और द बैक एंड फोर्थ मोशन, भाई आगे पीछे भी हो सकता है, पीरियोडिकली अबाउट इट्स मेन पोजीशन, देन मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन. एंड एग्जाम्पल विल बी द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक. जो हमारी दीवार घड़ी होती है उसमें जो बॉब लगा रहता है वो क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस बराबर ऐसे चलता है, पीरियोडिकली चलता है. सो डैट्स वाई इट्स द एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. एंड नाउ व्हाट अबाउट द वाइब्रेटरी मोशन. इन केस ऑफ वाइब्रेटरी मोशन बॉडी विल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन और द बैक एंड फोर्थ मोशन periodically, but their displacement from the mean position will be very small. बस यही अंतर है, दोनों में अंतर क्या है, भाई टू एंड फ्रो मोशन उधर भी है, टू एंड फ्रो मोशन इधर भी है, बैक एंड फोर्थ मोशन भी उधर भी है, बैक एंड फोर्थ मोशन भी इधर भी है, पीरियोडिकली उधर है, पीरियोडिकली भी इधर भी है. बट वॉट इज डिफरेंस, देयर विल बी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत मामूली सा, एकदम स्ट्रेट चलेगा बॉडी. देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द वाइब्रेटरी
मोशन। गाना जब गाते हैं और किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तार को ऐसे हिलाते हैं तो तार क्या करता है, वाइब्रेट करता है, बहुत मामूली सा अपने मेन पोजीशन से इधर और उधर जाता है। सो इट्स द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। बच्चों ये तो कुछ ऐसे टर्म्स थे जिसे मैंने बता दिया कि टाइप्स ऑफ मोशन में, वैसे तो बहुत सारे होते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, लेकिन मेनली यही होते हैं जिसको हमें पढ़ना रहता है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और हमारा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और वो क्या है तो कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड द थ्री डायमेंशनल मोशन। व्हाट इज़ वन डायमेंशनल मोशन, व्हाट इज़ टू डायमेंशनल मोशन एंड व्हाट इज़ थ्री डायमेंशनल मोशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वन डायमेंशनल मोशन, लिख देते हैं यहाँ पे, जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको थोड़ा लिख देते हैं ताकि आपको लगे कि आप क्लास के अंदर हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर आप तो लगते हैं कहानी सुनाने। तो देखिए फर्स्ट वन इज द वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल मोशन। नाउ व्हाट अबाउट द वन डायमेंशनल मोशन, इफ पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज चेंजिंग एट एनी वन एक्सिस आउट ऑफ द थ्री, देन मोशन ऑफ द बॉडी इज सेट टू बी वन डायमेंशनल मोशन। समझिए क्या कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें तीनों को एक बार में समझाने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ाने जा रहे हैं। पतंग उड़ाना किसको नहीं पसंद है, अगर आता होगा तो बिल्कुल पसंद आएगा। तो होता क्या है कि एक पतंग को हमने क्या कर दिया, अदर पर्सन को दे दिया है, और उसको कहते हैं कि ऐसा कि आप सीधे ले करके ऐसे उधर जाइए, हम पतंग उड़ाएंगे खींच करके। तो जब वो ऐसे जा रहा है सो दिस वन इज नाउ टेकन एज द एक्स एक्सिस, ऐसे हमने बना दिया, ऐसे बना दिया, या आपको इधर समझाते हैं, इधर सपोज कर लिए इधर जा रहा है, थोड़ा अच्छा लगेगा बनाने में। सो व्हाट अबाउट द मोशन, दिस टाइम काइट इज मूविंग ओनली ऑन द एक्स एक्सिस, सीधे ऐसे एक्स एक्सिस पर चल रहा है। तो पहले क्या था, वन स्टेप ऑन एक्स एक्सिस, आफ्टर दैट टू स्टेप ऑन एक्स एक्सिस, आफ्टर दैट थ्री स्टेप ऑन एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हैं कि उसका पोजीशन क्या कर रहा है, इट इज ओनली चेंजिंग ऑन द ओनली वन एक्सिस। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द वन डायमेंशनल मोशन। पोजीशन अगर केवल एक ही एक्सिस पर बदलेगा तो इस तरह के मोशन को कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। तो आप देख सकते हैं कि बॉडी क्या कर रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट एक्सिस तो स्ट्रेट ही रहता है। सो दिस वन इज द वन डायमेंशनल मोशन। अब अगर आपसे पूछें कि एक बॉल को हमने क्या किया, ऐसे ड्रॉप कर दिया, सो व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन, इट्स पोजीशन इज चेंजिंग अलोंग विद द वाई एक्सिस, चाहे तो इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, तो इसका पोजीशन लगातार क्या कर रहा है, केवल वाई एक्सिस पर बदल रहा है। सो दिस वन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। Very simple, straight line motion is also known as the, or we can say one dimensional motion is also known as the straight line motion. अब उसी kite को हम उड़ाने जा रहे हैं तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, throw करेगा kite को, ऐसे ऊपर की ओर करेगा, और हम क्या करते हैं, मंजे को ऐसे खींचना start कर देते हैं। Now see here what happens, now the kite will move, it is moving from the x-axis towards the y-axis. x-axis पर पहले था, अब क्या करेगा, ऐसे y पर भी आ जाएगा। So now the position of kite is changing on the x-axis as well as on the y-axis. गौर करिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बस सीधे ऐसे खींचूंगा, ऐसे kite को भी इस तरह की motion की बात करें, उड़ाने की बात नहीं करें, केवल खींचने की बात करें, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं। So what happened now? Kite is in between the x and the y, so its position will change on the x axis as well as on the y axis. So this time the same kite is performing the two dimensional motion. So how can we give the definition, if position of a moving body is changing on the two axes out of the three, then this type of motion is known as the two-dimensional motion.
काइट का उड़ना टू डायमेंशनल मोशन नहीं होता है, अभी मैं केवल उसके थोड़े से पार्ट को समझाया हूँ। भाई अगर एक्स और वाई या टू एक्सिस पर पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो इसको कहेंगे हम लोग टू डायमेंशनल मोशन। अब इसी को दूसरे तरीके से देख लेते हैं। तो होता क्या है कि अगर हमने क्या किया कि ऐसे एक्स और वाई फिर से बना लेते हैं और हमने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऐसे थ्रो किया, तो जब यहां पर था सो इट्स पोजीशन वॉज जीरो, नाउ द बॉडी विल परफॉर्म द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप कहेंगे हम तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े नहीं हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। तो फिलहाल मान लीजिए कि एक नाम है, जैसे हमारा नाम प्रफुल्ल मिश्रा है वैसे इसका नाम प्रोजेक्टाइल है। इस तरह के मोशन को जो दिखाई पड़ा उसे कह देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, फिलहाल इतना ही समझिए। सो व्हाट हैपेंस, इट्स पोजीशन इज चेंजिंग ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन द वाई एक्सिस। सो इन दिस कंडीशन पोजीशन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग ऑन द टू एक्सिस आउट ऑफ द थ्री। अब आप देखिए कि एक्स और वाई से मिलकर के हमारा ये बोर्ड का प्लेन बना हुआ है, तो प्लेन में ही बॉडी मूव कर रहा है। प्लेन में कैसे, यहां पर है फिर यहां पर है फिर यहां पर है फिर यहां पर है, एक प्लेन में चल रहा है। सो द टू डायमेंशनल मोशन इज ऑल्सो नोन एज द मोशन इन अ प्लेन। सो इफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ द टू डायमेंशनल मोशन, सो व्हाट विल बी योर आंसर, बिल्कुल सिंपल है, एक तो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन एंड अदर विल बी इफ यू आर ड्रॉइंग अ सर्कल, इफ यू आर ड्रॉइंग अ सर्कल। सो दिस हेड ऑफ द मार्कर इज मूविंग इन अ प्लेन, एक प्लेन में इस तरह से चल रहा है। सो द अदर एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन इज द सर्कुलर मोशन। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं या लास्ट में पूछता हूं सब समझाने के बाद, फिर आप समझिएगा कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं। नाउ व्हाट अबाउट द थ्री डायमेंशनल मोशन, तो उसी पतंग को फिर से याद करते हैं। पहले पर्सन केवल पतंग को लेकर के एक्स एक्सिस पर चल रहा था, फिर हमने ऐसे पतंग को खींचा, सो इट्स पोजीशन इज चेंजिंग ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन द वाई एक्सिस। तभी होता क्या है कि उधर एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है और हम कहते हैं अच्छा उसका पतंग काटेंगे, तो हमने अब इसे काइट को क्या किया, इधर की ओर ऐसे खींचना स्टार्ट कर दिया और अब ये पतंग मेरा हवा में कभी इधर उड़ रहा है कभी उधर उड़ रहा है। तो अब आप देखेंगे कि नाउ द पोजीशन ऑफ काइट इज चेंजिंग ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन द वाई एक्सिस एज वेल एज ऑन द जेड एक्सिस, हर एक एक्सिस पर इसका पोजीशन चेंज कर रहा है। नाउ दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द थ्री डायमेंशनल मोशन। इफ पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज चेंजिंग ऑन ऑल द थ्री एक्सिस देन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज द थ्री डायमेंशनल मोशन। तो आप समझ सकते हैं कि भाई थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होगा, इसमें बॉडी क्या करेगा, हवा में कभी इधर उड़ रहा होगा कभी उधर उड़ रहा होगा। सो मोशन इन स्पेस मोशन इन स्काई विल बी द अदर टर्म फॉर द थ्री डायमेंशनल मोशन। अब बच्चों मैं आपसे इस पूरे चीज को समराइज करूंगा, वन डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन एंड द थ्री डायमेंशनल मोशन को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो अब आप बताइए कि हमने क्या किया कि ऐसे एक बॉल को लेकर के स्ट्रेट थ्रो करते हैं ऊपर की स्ट्रेट, सो व्हाट यू थिंक इट्स मोशन टाइप्स ऑफ मोशन, सो इट इज रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन मैंने पढ़ाया था, और उसमें कौन सा है तो कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। क्यों, क्योंकि पोजीशन इज चेंजिंग ओनली ऑन वन एक्सिस और वैसे भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन बताइए, होता क्या है कि हमने अपने छत पर से एक पेबल को ऐसे थ्रो कर दिया, सो व्हाट यू थिंक व्हाट विल बी द टाइप्स ऑफ मोशन, हियर्स द बिल्डिंग एंड अ पेबल और अ बॉल इज थ्रोन अलोंग विद दिस डायरेक्शन। सो यू कैन सी हियर दैट द बॉल इज मूविंग इन अ प्लेन, एक प्लेन होगा जिसके अंदर ऐसे चल रहा होगा। सो इफ दिस वन इज टेकन एज द कोऑर्डिनेट्स, this one is x, this one is y, so you can see here its position is changing on minus x axis and on the minus y axis, or we can say its position is changing on the x axis as well as on the y axis.
सो इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द टू डायमेंशनल मोशन। अब आप बताइए कि अगर हम रोड पर कभी इधर उधर हर तरफ घूम रहे हैं, सो विच टाइप ऑफ मोशन विल बी देयर? इट इज़ वेरी सिंपल। आपको क्या लगता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और द थ्री डायमेंशनल? इट विल बी द टू डायमेंशनल। वाई? बिकॉज पर्सन इज मूविंग हियर एंड देयर ऑन अ प्लेन, सो मोशन इन अ प्लेन इज देयर, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। अब हमने क्या किया कि चौक से पढ़ा रहे थे या फिर छोटे छोटे पेपर पीस को लेकर कैसे हवा में ऐसे उड़ा दिए, तो पेपर पीस कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। दूसरा, आपके क्लास के बारे में बात करते हैं, आपने क्या किया, पेपर रॉकेट बना लिया है या पेपर प्लेन बनाया है, रॉकेट नहीं सही एग्जांपल है, पेपर प्लेन बनाया है और ऐसे आप छोड़ देते हैं, तो प्लेन क्या करेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। सो दिस प्लेन, पोजिशन ऑफ दिस प्लेन इज चेंजिंग ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन द वाई एक्सिस एज वेल एज ऑन द जेड एक्सिस, सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द थ्री डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों, ये था आज का क्लास, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप नोट्स बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ टर्म्स पढ़ाए थे, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन का डिफरेंस, सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन मैंने और लिखा था, बट बेटर विल बी द एंड। और उसके बाद मैंने एक लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, उसी में वो क्या था, वो था ऑसिलेटरी मोशन एंड द वाइब्रेटरी मोशन। तो ये सब आप तैयार कर लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।